हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेस आईएस। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से प्रख्यात इस पार्क के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि इस खबर से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु क्या हैं। वेटलैंड एक्स टू कंजर्वेशन स्टैब्लिशमेंट कहे जाने वाले इस चिड़ियाघर का उद्देश्य गैंडों, जल भैंसों, मगरमच्छों, डॉल्फिन और विदेशी प्रजातियों सहित आर्द्र भूमि प्रजातियों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित कराना है। यह उद्यान पक्षियों की 365 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिसमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। मध्य एशियाई प्रवासी फ्लाईवे और पानी की उपस्थिति के मध्य में अपने सामरिक स्थान के कारण सर्दियों में ये बत्तख, गीज, कूट, पेलिकन और वेडर की बड़ी संख्याएं इस पार्क में आती हैं। ये पार्क गंभीर रूप से लुप्त प्राय साइबेरियन क्रेन की केंद्रीय आबादी का एकमात्र ज्ञात शीतकालीन स्थल था और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और इंपीरियल ईगल जैसे विश्व स्तर पर खतरे वाली प्रजातियों के लिए सर्दियों के क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है। ये भारत का एकमात्र पार्क है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जो किसी भी अतिक्रमण और जैविक गड़बड़ी की संभावनाओं को कम करता है। तो चलिए अब हम लोग केओलादेओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। केओलादेओ राष्ट्रीय उद्यान या केओलादेओ घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। ये उद्यान शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का दूसरा घर बन जाता है। साइबेरियाई सारस, घोमरा, उत्तरी शाहचकवा, जल पक्षी, लालसर बत्तख आदि जैसे विलुप्त प्राय जाति के अनेकानेक पक्षी यहाँ अपना बसेरा करते हैं। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1981 में केओलादेओ राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। यह स्थल मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी दर्ज है। केओलादेओ राष्ट्रीय उद्यान में गंभीर और बाढ़ गंगा नदियां बहती हैं। धन्यवाद।